तो ये हमारे जबरदस्त किस्म के डोनट्स रह गए हैं, बहुत ही मजे के ये बनकर तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने जबरदस्त फ्लफी से हमारे ये डोनट्स रेडी हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत से हिरा की मेहनत से इतने प्यारे प्यारे से डोनट्स आपको मिले। अगर आप इस वीडियो को सेव कर लें और अपने घर में इनको ट्राई करें, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, क्योंकि आजकल डोनट्स बहुत ही ज़्यादा इन है, तो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। और जी आज हम आपके सामने पेश करने लगे एक बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी। ये सिर्फ मजेदार नहीं है बल्कि ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस भी है, क्योंकि बहुत सारी ख्वातीन जो है वो हमें मैसेज में हमें कमेंट्स में लिखती हैं कि भाई एक ऐसा हमें मतलब बिजनेस बताएं जो हम अपने घर में बैठ के और हम पर्दे में रह के और अच्छे तरीके से कर सकें और जिससे हम अपने घर को भी चला सकें। तो ये आज एक रेसिपी नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि ये एक बिजनेस भी है। हम बनाने जा रहे हैं आज आपके सामने बहुत ही मजे के डोनट्स, और ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग बहुत महंगे महंगे दामों में मुख्तलिफ बेकरीज से बाहर से परचेज करते हैं। तो हम आपको इसका बहुत आसान सा तरीका का कि आप घर में मज़ेदार किस्म के डोनट्स अपने खाने के लिए भी बना सकते हैं और उसको सेल करने के लिए भी बना सकते हैं। तो हम आज आपको सिखाएंगे, और इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर लोग वीडियो को स्किप करके देख रहे होते हैं, उनको चीज़ों की समझ नहीं आती, और फिर जब उनकी रेसिपी ख़राब हो जाती है तो वो ये कमेंट करते हैं कि जी सही नहीं बना। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करना है, और फिर मुझे बताना है कि आपके डोनट्स कैसे बने। चलते हैं वीडियो की तरफ। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप, ये नीम गर्म दूध है। अब हमने ले लेना है एक अदद अंडा, एक एग ऐड कर दिया है और ये भी रूम टेम्परेचर पर है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, दो टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक साशे ले लिया है इंस्टेंट ईस्ट लिया है, और ये 11 ग्राम का एक साशा, तो इसको मैं डालूंगी इसके अंदर स्पून में, और ये आपने एक टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड कर देना है। दो टेबल स्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको हमने रेस्ट नहीं देना है, जस्ट इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, 3 कप इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। और आपने जब भी मैदा डालना है तो आपने इसको पहले अच्छी तरह से छान लेना है, और अब हमने इसको मिक्स करना है। स्पून के ज़रिए हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको हम भूनेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लिया है, और अब हमने इसको भूनना है। हमने इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है, तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। यहाँ पर मैंने डो को 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लिया है, और अब हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश करना है, और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और इस डो को आप जितनी अच्छी तरह से गूंथेंगे ना, ये डो उतनी ही बेहतरीन तैयार होगी। मैं इसको किसी गर्म जगह पे रखूंगी, आप किसी ओवन के अंदर भी रख सकते हैं, किसी कैबिनेट में भी रख सकते हैं, ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए। 1 घंटा तो मस्त इसको लगेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये डो कहाँ रखी हुई आपने? ओवन के अंदर। ओवन चल रहा था? नहीं नहीं, बंद ओवन में रखा था, उसमें जरा अच्छी तरीके से ना राइज हो जाता है। माशाल्लाह। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है डो को रखे हुए, और ये देखें कितनी माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी ये डो राइज हुई है। तेरा पंच तो मैं मारूंगा। अब इसके अंदर हम पंच मारते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी जो डो है। जब आपकी डो इतनी जबरदस्त बनी हो तो फिर आप समझ आएंगे आपके डोनट्स कितने जबरदस्त बनेंगे माशाल्लाह। जब आपको बाउल में से इसको उठाने में मुश्किल होना, तो तब आपने बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर फ्लोर डस्ट करना है,
और फिर इसको आपने का पेड़ा बना लेना। इससे बहुत ही आसानी के साथ जो सॉफ्ट डो होती है ना उसका भी हम पेड़ा बना लेते हैं। और अब हमने शेल्फ के ऊपर हल्का सा फ्लोर डस्ट करना है। पेड़े को ले आना है हमने सेंटर में, हल्का सा फ्लोर मैं इसके ऊपर भी डस्ट कर रही हूँ। और अब हमने इसको सेंटर से इस तरीके से हमने इसको रोल करना है सेंटर से, और यहाँ से हमने इसको तोड़ देना है। तो ये देखें, ये हमारी डो जो है इस टाइम रेडी है, और अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। और अब हमने इसको इक्वल पीसेस में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, मैंने इनकी कटिंग कर ली है, और अब हमने इनको पेड़ों की शेप दे देनी है। तो हमने इस तरीके से इसका पेड़ा बनाना है। ये देखें, ये सारा इनको आपस में इकट्ठा करके और इसका हमने गोल सा पेड़ा बना लेना है। यहाँ पे शेल्फ पे मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, और इनको रखते जाना है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी ये जो है इनके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। आप इनको यहाँ पर बेल कर इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ इससे आपकी जो डोनट्स हैं बिल्कुल जिस तरह आप बड़ी बेकरी से लेकर खाते हैं सेम वैसे ही बनेंगे। यहाँ पर मैंने ये 10 पेड़े बनाकर रख लिए हैं, और अब हमने इनको शेप देनी है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको उठा लिया है, हल्का सा मैं फ्लोर इसके नीचे डस्ट कर रही हूँ, और इसको हाथों की मदद से हमने फैलाना है। और ये देखें, इसकी थिकनेस 1/2 इंच के करीब है। और अब इसके सेंटर में यहाँ पर मैंने नोजल ले ली है। अगर आपके पास कोई कटर ना हो तो आप बोतल का कैप भी ले सकते हैं, इसके अंदर हमने होल कर देना है। और ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमने इसको एहतियात से उठाना है। और मैंने ये ट्रे ली हुई है, इसके अंदर हमने रखते जाना है। यहाँ पर मैंने ट्रे में मैदा डस्ट करके रखा हुआ था ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इन सभी को शेप दे लूंगी, और ये जो बाकी बचेंगी ना इनको हमने इकट्ठा करके इसका फिर से डोनट बना लेना है। और यहाँ पर मैं वो 3 जो डोनट्स है ना वो मैं बन शेप में बना रही हूँ। इसके अंदर मैं कटर से कट नहीं लगाऊंगी, इसको ऐसे ही हम बनाएंगे। और यहाँ पर मैं ये स्क्रैपर ले लिया, इसके जरिए उठाएंगे तो इससे बहुत ही आसानी के साथ आप इसके अंदर रखते जाएं, इससे शेप भी खराब नहीं होती है। यहाँ पर मैंने कुछ को शेप दे दी है, इनको मैं कवर करके रखने लगी हूँ। तो यहाँ पर हमने इनको 20 मिनट के लिए कवर करना है ताकि ये थोड़े से राइज हो जाएं। तो ये भी रेडी हो गए हैं, इनको भी मैं कवर करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए। और अब हम डोनट्स के लिए चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ले ली है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हमने जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट बिल्कुल रेडी है, चॉकलेट गनाश। और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून दूध और डाला था। अगर आपको ये थिक लगे तो आप दूध डालकर इसको पतला भी कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन सी हमारा ये सिरप रेडी हो गया है। और अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। आपने बाउल भी ऐसा लेना है जिसमें जब आप डोनट्स फ्राई करके डालें बहुत इजीली जो चॉकलेट है उसके ऊपर कोट हो जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट्स हो चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह हमारे जो डोनट्स हैं बेहतरीन राइस हो गए हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा हुआ था, ज़्यादा गर्म गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, लो हीट के अंदर ही हमने डालना है। और अब हम एहतियात से इनको उठाएँगे और ऑयल में डाल के जाएंगे। एक टाइम पर इतने ही डालेंगे जितने के आसानी से आ सकें। इनको हमने मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और अच्छे डोनट्स की पहचान यही होती है कि ये ऑयल के अंदर डूबते नहीं हैं, ये ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ये देखें किस तरीके से आपको यहाँ पर ये राइज होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट हुए हैं पकते हुए, और अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है माशाल्लाह से इनका। इनको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, इनको लो मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, 1.5 से 2 मिनट इसको एक साइड पे लगा है, और इतना ही टाइम इसको दूसरी साइड से लगेगा। इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करते हुए 1 मिनट हुआ है, और मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखें कितना प्यारा इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। और अब हमने इनको निकालते जाना है।
यहाँ पर मैंने स्टैंड के ऊपर इनको रख दिया ताकि ये थोड़े से नॉर्मल हो। और अब हम बाकी के डोनट्स भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। जो मैंने स्पैचुला लिया है उसको मैं हल्का सा ऑयल में डालती हूँ और उसके बाद ये देखें इसके ऊपर लगाती हूँ, तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आते हैं बगैर शेप खराब हुए। तो सेम इसी तरीके से मैं सेकंड बैच भी फ्राई करूंगी। और यहाँ पर आप देखें कि ये सेकंड बैच को फ्राई करते हुए थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था, इनको टाइम ज्यादा मिला है, तो इसलिए ये देखें ये पहले वाले डोनट से ज्यादा राइज हो गए हैं। तो इसलिए आप अगर इनको ज्यादा देर का रेस्ट देंगे तो ये डबल राइज हो जाते हैं। हमारे बेहतरीन से डोनट्स रेडी हो गए हैं और अब हम इनको चॉकलेट गनाश लगाएंगे, इस तरह इसके अंदर डिप करेंगे और निकाल लेंगे। ऊपर आप कोई भी स्प्रिंकल वगैरह लगा सकते हैं अपनी पसंद के। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्प्रिंकल्स ले रखे थे जो इनके ऊपर मैं लगा रही थी। सबसे पहले डोनट्स को चॉकलेट के अंदर कोट कर रही थी जो चॉकलेट गनाश हमने बना कर रखी हुई थी। इसी तरीके से किसी के ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स लगा दिए थे, किसी के अंदर ये जो हमारे पास पर्ल्स थे गोल्डन और सिल्वर ये लगा दिए थे और थोड़ी सी इस तरीके से आर्टिशन कर दी थी। और यहाँ पर मैंने कोकोनट लगा दिया था और दूसरी साइड को प्लेन ही रहने दिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी शुगर डस्ट कर रही थी और इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। तो आप जो ये डेकोरेशन है अपनी पसंद से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्प्रिंकल्स वगैरह ना हो तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो लाइक बंटीज वगैरह हो आपके पास या आपके पास पीनट्स वगैरह हो तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप इनको सिंपल भी बना सकते हैं, आप जस्ट इनके ऊपर शुगर पाउडर डस्ट कर दें तो उससे भी आपके बेहतरीन डोनट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि डोनट्स को डेकोरेट करना ये भी एक आर्ट है और इनको डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आया था। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इंशाल्लाह अगर आप इसको ट्राई करेंगे आपके बहुत ज़बरदस्त डोनट्स बनेंगे और आप बेकरी के डोनट्स भूल जाएंगे क्योंकि इतने सॉफ्ट फ्लफी से डोनट्स बनकर तैयार हुए थे ना। बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत से हिरा की मेहनत से इतने प्यारे प्यारे से डोनट्स आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें मुझे और हिरा को। अल्लाह हाफिज।